हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश फ्लिक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल, और आज के स्टूडियो में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो भी सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। सो देट और टू टू का यूज़ करना हम सीखेंगे। इसमें डायरेक्ट सेंटेंस में सो देट का यूज़ कैसे करते हैं ये सीखेंगे, और टू टू का यूज़ सो देट की जगह कैसे करना है, टू टू की जगह सो देट का यूज़ कैसे करना है वो हम सीखेंगे। यहाँ पर मैं लिखा भी यूज ऑफ सो देट इन प्लेस ऑफ टू टू, एंड टू टू के प्लेस पर आपको सो देट का यूज़ करना है। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। आपको बहुत सिंपल से लैंग्वेज में रूल्स को समझाने वाला हूँ, और हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज ऑफ सो देट में हमने इसका मीनिंग लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, इतना की। यानी सो देट जो लिखा है इसका मतलब ही होता है इतना की। अब इसका यूज कैसे करते हैं, डायरेक्ट यूज ऑफ सो देट। यानी कोई दो सेंटेंस आपको दे दिए जाते हैं जो कि या तो इस तरह के रहेंगे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्जाम ईजिली। ये दो सेंटेंस हो गए। ये वाला सेंटेंस इसके जस्ट नीचे भी हो सकता है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, इनमें आपको सो देट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर मैंने नियम लिखे हुए हैं कि आपको क्या रिमूव करना है और क्या ऐड करना है, तो वो हम समझेंगे। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिखाई दे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली, यहाँ पर आपको समझना है कि किसको रिमूव करना है और उसको रिमूव करके आपको सो देट कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वेरी दिखाई दे रहा है, तो हमने यही नियम में लिखा है कि सबसे पहले आपको रिमूव करना है वेरी को, एंड पुट सो इन प्लेस ऑफ वेरी। यानी इस वेरी की जगह पर आपको क्या लगाना है, सो लगाना है। तो देखिए हमने वेरी की जगह पर क्या लगा दिया, सो लगा दिया। वहीं आपको रिमूव करना है फुल स्टॉप को। आपको यहाँ पर फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है जो कि मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है, इसको आपको रिमूव करना है, और इसके यहाँ पर आपको डेट लगाना है। यानी आपको फुल स्टॉप को भी हटाना है। आप वेरी और फुल स्टॉप इन दोनों को रिमूव करने के बाद में वेरी की जगह पर सो लगा देंगे और फुल स्टॉप की जगह पर डेट लगा देंगे। बस ये नियम होता है यदि आपके पास सिंपल सेंटेंस दो दिए हुए हो। यहाँ इसका हम मीनिंग देखते हैं। अब जब हम इसका मीनिंग देख रहे हैं तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, वह इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंट शब्द है, यहाँ पर इसको वेरी यानी बहुत बताया गया है। यहाँ पर यह आपका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यानी इसके बारे में बताया गया है कि बहुत इंटेलिजेंट है। वेरी यहाँ पर हमने सो लगा दिया, देखिए यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। जो सेंस वेरी का होता है वही सेंस सो का होता है, इसलिए इसको इसमें हम बदल सकते हैं। इंटेलिजेंट को हमने इंटेलिजेंट रहने दिया, फुल स्टॉप को रिमूव करके हमने यहाँ पर डेट लगा दिया, और ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों सेंटेंस के अर्थ हो रहे थे वह बहुत इंटेलिजेंट है, वह एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता है। सो देट जिसका कि मतलब होता है इतना कि। अब इसको लगाने के बाद में इसका अर्थ ये हो गया है कि वह इतना इंटेलिजेंट है कि वह इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता है। यानी दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन करके लिखा तो इससे इसका सेंस हो गया इतना कि वह इतना इंटेलिजेंट है कि वह इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता है। पहले इन दोनों सेंटेंस का सेंस अलग अलग निकल रहा था, सो देट ने इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने का काम कर दिया है। तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि वेरी को आपको जो है हटाना है और सो लगाना है, वेरी को हटाना है सो लगाना है। फिर आपको क्या करना है, फुल स्टॉप जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये सेंटेंस आपका इसके नीचे भी हो सकता है, दो सेंटेंस रहेंगे, आपको यहाँ पर डेट लगाना है और दूसरे वाले सेंटेंस को बिना परिवर्तन किए लिख देना है। तो आई होप आप डायरेक्ट यूज कैसे करते हैं सो देट का वो समझ गए होंगे। ये सिंपल सेंटेंस की बात थी। नेक्स्ट देखिए आप, अब आपको सो देट का यूज़ करना है। ये कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसमें ये सेंटेंस मैं आपको करके बताऊँगा, इसके बाद वाले आप करेंगे। देखिए यहाँ पर द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, यह बॉक्स जो है बहुत हैवी है, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे नहीं उठा सकता। आपसे पूछा ऐसे जाएगा कंबाइन बोथ सेंटेंस यूजिंग सो देट, यानी सो देट का यूज़ करके आपको इन दोनों सेंटेंस को जो है कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, द बॉक्स को द बॉक्स लिखेंगे, इज को इज लिखेंगे, और यहाँ पर वेरी की जगह हम क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, जो कि हमने अभी नियम में पढ़ा था। फिर हैवी को हैवी लिखेंगे, फुल स्टॉप जो है इसको हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे डेट। देन इस वाले सेंटेंस को आई कैन नॉट लिफ्ट इट एज इट इज लिख देंगे। आई आई हमेशा कैसा आता है, कैपिटल लेटर में आता है, कभी स्मॉल लेटर में नहीं आता। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, देखिए कितना आसान था, वेरी ये सो लगा दिया और यहाँ डेट लगा दिया। बॉक्स इतना हैवी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता है, सिंपल है। यहाँ देखिए, अब मैंने कहा था कि ये जो बाद वाला जो सेंटेंस है जो कि सेकंड सेंटेंस रहेगा वो नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ पर नीचे लिखा है और कोई अंतर नहीं है। कंबाइन बोथ सेंटेंस यूजिंग सो देट, वही सो देट का यूज़ करके आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। इसको मैं कर देता हूँ, थर्ड वाला आप करेंगे।
माई फादर इज वेरी को हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सो वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब ये फुल स्टॉप को रिमूव करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैट और ही कैन नॉट वॉक। हो गया जी। इसके बाद एक और सेंटेंस है हमारे पास, सी इज़ वेरी शॉर्ट, सी कैन नॉट टच द सीलिंग। वह उसकी जो हाइट है वो काफ़ी छोटी है, तो उसको आगे वह कभी छोटी है और वह सीलिंग को जो है टच नहीं कर सकती। इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएंगे कि इसमें हम सो दैट का यूज़ कैसे करेंगे। ये दो सिंपल सेंटेंस है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि आपको टू टू का यूज़ कैसे करना है। टू टू का यूज़ हमेशा होगा सो दैट के यहाँ पर। किसके यहाँ पर होगा? सेंटेंस में पहले से आपको सो दैट दिया रहेगा, उनके स्थान पर आपको टू टू का यूज़ करना है। इसको यूज़ कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर यूज आप टू टू इन प्लेस ऑफ सो दैट, यानी सो दैट के स्थान पर आपको टू टू का यूज़ करना है। ही इज सो वीक, वह बहुत वीक है, यानी वह इतना वीक है दैट की ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वह और अधिक कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पर सिंपल सा नियम है, इस सो को आप रिमूव करेंगे और यहाँ पर आप ये टू लगाएंगे। पहले हमने वेरी की जगह पर क्या लगाया था? वेरी की जगह पर हमें लगाया था सो, अब इसकी जगह पर हम लगा रहे हैं टी डबल ओ। इन सब के मीनिंग सेम होते हैं, इसलिए हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। डेट का मतलब यहाँ पर की है, और अब हम लगाने जा रहे हैं इस डेट की जगह पर ये वाला टू। इसकी जगह पर ये लगाएंगे और इस डेट की जगह पर ये लगाएंगे। इसको लगाने में हमें कुछ चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को, मॉडल वर्ब को, नॉट को, उनको हम रिमूव करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर टू लगा दिया, इस डेट की जगह पर छोटा वाला टू लगा दिया, और ही कैन नॉट या कैन तक, विल तक, विल नॉट तक, कुड नॉट तक, वुड नॉट तक, जो भी रहेगा वहाँ तक हमें रिमूव करना है और एज इट इज लिख देना है। जैसे कि ही इज टू वीक, डेट की जगह पर छोटा वाला टू लिखेंगे टू, ही कैन नॉट तक रिमूव कर देंगे। यदि कैन होता नॉट नहीं होता तो कैन तक ही रिमूव करते, यहाँ पर नॉट है तो नॉट तक रिमूव करेंगे, विल नॉट होता तो विल नॉट तक रिमूव करते, विल होता तो विल तक ही रिमूव करते, तो यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देंगे और वर्क एनी मोर क्या लिखेंगे, वर्क एनी मोर, ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर, यानी कि और अधिक कार्य करने के लिए वह बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब हो रहा था कि वह इतना कमज़ोर है कि वह और अधिक कार्य नहीं कर सकता, और अधिक कार्य करने के लिए वह काफ़ी कमज़ोर है। दोनों का सेंस सेम आ रहा है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एडजेक्टिव है, यानी जो विशेषता बता रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। यहाँ पर ये वीक बता रहा है, यानी आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो इसकी आपको वीकनेस बता रहा है कि ये कमज़ोर है, तो ये आपका नेगेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या आपका नेगेटिव एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पर होता कि यह कैसा है, वह काफ़ी बुद्धिमान है, डेट मीन्स उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाता आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ एडजेक्टिव कैसे दे रखा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कैन नॉट, नॉट क्या लगाना है बाद में। इसमें आपको सिंपल इतना समझना था कि सो की जगह पर आपको टी डबल ओ लगाना था, यहाँ पर वीक को वीक ही लिखना था, डेट की जगह पर छोटा टू लगाना था, और फिर ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, दे कैन नॉट, विल नॉट, उनको आपको रिमूव करके वर्क एनी मोर लिखना था। अगला एक और सेंटेंस देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। द पार्सल इज सो हैवी, तो इस सो की जगह पर क्या लगा देंगे, इस सो की जगह पर आप लगा देंगे टी डबल ओ, इस टू की जगह पर आप लगा देंगे टू, क्योंकि री राइट सेंटेंस यूजिंग टू टू, आपको क्या करना है टू टू से इस सेंटेंस को फिर से लिखना है, यानी सो दैट की जगह पर आपको टू टू ही लगाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा द पार्सल इज टू हैवी, इस डेट की जगह पर आप क्या लाएंगे टू, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी सेंट बाय द पोस्ट, इसको पोस्ट के द्वारा नहीं सेंड किया जा सकता, तो हम फिर से इसको क्या करेंगे रिमूव कर देंगे टू सेंट बाय द पोस्ट। इसका सेंस देखिए, पार्सल जो है इतना हेवी है कि इसको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा सकता। इसका सेंस हो रहा है कि पोस्ट से भेजने के लिए पार्सल काफ़ी हेवी है। जो सेंस ये दे रहा है वही सेंस ये दे रहा है। अब यहाँ पर आप टू हैवी देख रहे हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर इसीलिए नोट आया था। जब यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा, यहाँ पर कैन ही आएगा, वो हमें आगे काम आएगा। यहाँ देखिए, इस सेंटेंस को आपको करना ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी,
वह इतना गरीब है कि वह अपनी फ़ी पे नहीं कर सकता। इसमें आपको टू टू का यूज़ करना है। सो डेट की जगह पर दो सेंटेंस मैं करवा चुका हूँ, एक आपको करना है। इसके पहले वाला एक सेंटेंस को कमेंट में आपको सबको टाइप करना है कि उसका आंसर क्या रहेगा, और ये थर्ड नंबर वाला जो कि आपको टू टू का यूज़ करना है सो डेट की जगह पर, इसको भी आपको कमेंट में लिखना है। अब हम आ जाते हैं, अब सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्ट सो डेट का यूज़ कैसे करते हैं दो अलग अलग सेंटेंस में, फिर हमने देखा कि टू टू का यूज़ कैसे करते हैं सो डेट वाले सेंटेंस में। अब हम देखेंगे कि आपको क्या करना है, टू टू के स्थान पर सो डेट का यूज़ करना है। इसके पहले हमने सो डेट के स्थान पर टू टू का यूज़ किया था, अब हमें सेंटेंस को रीराइट करना है सो डेट का यूज़ करके किसके स्थान पर, टू टू के स्थान पर। इसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो टू है उसको हटाना होगा। ये तो आप जानते हैं कि सर हम टू हटाएंगे फिर सो लगाएंगे, क्योंकि हमने सो हटा कर क्या लगाया था, टू लगाया था। और फिर आपको टू हटा कर क्या लगाना है, सो लगाना है, वही बात हो गई। रिमूव टू एंड पुट डेट, आपको क्या करना है, फिर ये जो टू टू है इसको हटा कर तो आप सो लगा देंगे, और इसके यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। तो वही हमने लिखा है कि टू को हटा कर हम डेट लगाएंगे। लेकिन आपको फिर से याद करना है कि जब हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या किया था, हमने सो डेट वाले में याद करना फिर से, जब हमने सो डेट की जगह पर टू टू का यूज़ किया था, टू टू का यूज़ किया था, तो इस टू के बाद में हमने क्या हटाया था, ही कैन नाट, सी कैन नाट, इनको हमने रिमूव किया था। तो जब हम इन टू टू की जगह पर फिर से सो डेट लगाएंगे तो हम इनको फिर से लेके आएंगे। तो वही बात हमने लिखी है कि हमें टू के स्थान पर डेट लगाना है, पहले तो इस वाले टू के स्थान पर डेट लगा देना, वही लिखा है। फिर हमें सब्जेक्ट को भी लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद में मॉडल वर्ब विल नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट, इनको टेंस के आधार पर पहचान कर आपको उसको भी लिखना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यानी स्टार्टिंग में ही दे रखा है तो आपको बाद में लिखना पड़ेगा ही कैन नॉट इस तरह से, क्योंकि पहले हमने उनको हटाया था, तो अब लेके आना पड़ेगा। इफ सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, यदि प्रेजेंट टेंस में आपको सेंटेंस दिख रहा है तो आप कैन या कैन नॉट लगाएंगे। यदि आपको सेंटेंस पास्ट टेंस में दिख रहा है तो आपको कुड या कुड नॉट का यूज़ करना है। कुड कहाँ पर आएगा, जब एडजेक्टिव आपको पॉजिटिव रहेगा तो कुड आएगा, और एडजेक्टिव जो कि उसके बारे में हमें बैड फीलिंग्स देगा वो नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो फिर आपका कुड नॉट आएगा। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टू लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टू लिखा हुआ है, यानी इसी के स्थान पर हमें सो डेट लगाना है। तो यहाँ देखिए आप, हम सिंपल सा इसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे सो, हमने और कोई चेंजेस में नहीं किया है, दिस हॉर्स सो फास्ट। फिर यहाँ पर इस टू की जहाँ पर हमने लिखा है डेट, क्लियर है, विन द रेस। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पिछले वाले सेंटेंस में हमने इस टू को लगाने के चक्कर में पीछे हमने ही कैन नॉट, दे कैन नॉट, या फिर ही विल नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, इनको हटाया था, तो हमें उनको फिर से लेकर आना पड़ेगा। और फिर से लेकर आना पड़ेगा तो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या दे रखा है। यहाँ पर दिस हॉर्स है तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे इट, इट कैन नॉट विन द रेस। अगर हम वापस टू टू लगाएंगे तो हम फिर इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पर सो से टू लगा देंगे और डेट को टू कर देंगे और इतने को रिमूव कर देंगे। अगर यहाँ पर नोट होता तो यहाँ पर इसको भी हटा देते, लेकिन अभी हमारे पास है ही नहीं। यानी कि आपने यहाँ पर बताया है कि ये जो हॉर्स है ये कैसा है, फास्ट है, फास्ट है, डेट मीन्स ये कैसा एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, जो कि इस हॉर्स के बारे में हमें यह बता रहा है कि ये काफ़ी तेज़ है। इस तरह के एडजेक्टिव को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और अगर यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पर बाद में कैन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि आपका सेंस ये भी हो सकता है सर आपने कैन नॉट हटाया था हमारे सामने, तो आप वापस यहाँ कैन नॉट ही लगाओ, आपने नॉट क्यों लगाया। लेकिन आप देखिए ना, हॉर्स कैसा है, तेज़ है, तभी तो वो पूरी रेस को जीत सकता है। अगर वो तेज़ है तो फिर हम यह नॉट लगा देंगे तो सेंस ये हो जाएगा कि हॉर्स इतना तेज़ है कि वह रेस नहीं जीत सकता, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको ये समझना हो कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव दे रखा है ये कैसा है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको एडजेक्टिव को समझना होगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप खुद बताइए, फास्ट कैसा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हॉर्स लेजी होता तो लेजी होता यानी सुस्त या आलसी होता, देट मीन्स फिर यहाँ पर इट कैन नॉट आ सकता था, यहाँ पर फास्ट है तो नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा था कि कैन भी आ सकता है, कैन नॉट भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, कुड नॉट भी आ सकता है। यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको ऐसा दिखेगा सेंटेंस, विल, इट विल विन द रेस, हॉर्स इतना तेज है कि यह रेस जीत सकेगा, मतलब ये जीत जाएगा, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। हम आगे को सेंटेंस से समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ये लेजी है, ये कैसा एडजेक्टिव है, ये नेगेटिव एडजेक्टिव है, जो कि क्या बता रहा है इसके बारे में कि ये लेजी है, ये हमें अच्छा फील नहीं करवा रहा है इसके बारे में। ये स्टूडेंट के बारे में ये बता रहा है कि ये कैसा है, फास्ट है,
इससे हमें लग रहा है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए एप्पल कैसा है, खट्टा है, ये नेगेटिव हो गया। ये टायर्ड यानी थका हुआ है, तो ये नेगेटिव हो गया। डेट में जब हम यहाँ पर टू टू के स्थान पर डेट लगाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद में कैन नॉट ही लगाएंगे, यानी इसके बाद हो, यहाँ समझते हैं, इसको चेंज करते हैं। ही का ही लिख दिया हमने, ही इज, इस टू को क्या लिखेंगे, सो, लेजी को लेजी लिखेंगे। ही सो लेजी, इसी यहाँ पर हमने लिख दिया सो। फिर लिखेंगे हम डेट, ये डेट हमने किसी जगह पर लगाया, किसके जगह पर लगाया। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हम ये देखेंगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर ही है, तो हम यहाँ पर ही लगाएंगे। यहाँ पर लेजी यानी नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर कैन नॉट लगाएंगे, या कांट लिख सकते हैं। ही इज सो लेजी डेट ही कांट गो टू मॉर्निंग वॉक। अगर यहाँ पर होता ही इज सो फास्ट, वह बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर हम नॉट नहीं लगाते, फिर कैन ही आता। ये हमें समझना होगा कि एडजेक्टिव कैसा है। इसको एक और को देखते हैं, यहाँ पर रेस जीतने के लिए स्टूडेंट बहुत तेज़ है। दैट मीन्स ये है कि स्टूडेंट इतना तेज़ है कि वह रेस जीत सकता है। तो यहाँ पर आएगा द स्टूडेंट टू की जहाँ पर हम लाएंगे सो, सो फास्ट, इसकी जहाँ पर हम लाएंगे डेट। अब जब स्टूडेंट आपका फास्ट है तो स्टूडेंट के लिए हम लिखेंगे ही कैन विन द रेस। अब देखो हमने यहाँ पर कैन नॉट क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव दे रखा है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर हम कैन नॉट लगाते। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर तो कुछ अलग ही है, यहाँ तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ये वाला लास्ट वाला आपको बनाना है, द एप्पल इज टू सोर टू ईट, यानी कि एप्पल खाने के लिए कैसा है, खट्टा है, यानी स्वाद में खट्टा है। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे कि एप्पल इतना खट्टा है कि मैं इसे नहीं खा सकता, या फिर इसे खाया नहीं जा सकता। जब मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूँ तो मैं इसको दो ही तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ देखिए, द एप्पल इज सो, कैसा है, सोर है, खट्टा है, डेट, मैं नहीं खा सकता, वह नहीं खा सकता, हम नहीं खा सकता, हम कुछ भी उसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये खट्टा है, इसको कोई नहीं खा सकता। तो नो वन कैन नॉट ईट इट, या फिर आप ऐसा लिखेंगे इसको कि आई कैन नॉट ईट इट। तो यहाँ पर इसको आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई कैन नॉट ईट इट, यानी मैं इसे नहीं खा सकता। ही कैन नॉट ईट इट तो भी सही है, वी कैन नॉट ईट इट तो भी सही है। यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, ये सब्जेक्ट आई कैपिटल आएगा। और मैं इसको क्या बना सकता हूँ, मैं डेट के बाद में इसे नहीं खाया जा सकता, तो हम इसको ऐसे बना सकते थे, इट कैन नॉट बी ईटन, इट कॉन्ट बी ईटन। ये दो सेंस से हम यह दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं, दो सेंस में बना भी सकते हैं। यहाँ पर यदि वाज दिया है तो यहाँ पर आपको बनाने के पहले ये समझना होगा कि जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पर कैन नॉट की जगह आप कुड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, कुड का उपयोग करेंगे, क्योंकि टेंस आपका पास्ट में चल रहा है, तो हम कैन नॉट विल नॉट ना लगाकर वुड लगाएंगे डेट के बाद में, या फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर कुड लगाएंगे। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो फिर आप कुड नॉट लगाएंगे, और यदि आपको पॉजिटिव लग रहा है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे। ये आपको कमेंट में, आपके पास तीन सेंटेंस हो गए जो कि आपको कमेंट में कमेंट करना है, इनके आंसर फिर मैं देखूँगा कि आप समझ पाएँ। यदि आप समझ पाए होंगे तो आराम से आप कमेंट कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी मदद हो सके। मैंने इसको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और आपको आसानी समझ में आ गया होगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसकी PDF आपको मिले तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको @englishflix जो है ये दिख रहा है, ये आपको सर्च करना है। और यदि आप कोई कमेंट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत कमेंट कर दी है, या आप करेक्शन करना चाहते हैं, या फिर कुछ समझना चाहते हैं जो कि मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर DM कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी रिप्लाई करूँगा, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। मिलता हूँ दोस्तों अलग ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।